जीएसटी जीएसटी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित विषय है, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से परिवर्तित कर दिया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, इसके बारे में कुछ सामान्य सी बातें हम इस वाले मॉड्यूल में करेंगे। पहली बात हम करें जीएसटी बिल की, फर्स्ट पॉइंट बात करें हम जीएसटी बिल। तो जीएसटी बिल 2014 की हम बात करें तो 2014 में हमने 122वां जो संशोधन था बिल वाला जो था 122वां संविधान संशोधन बिल जो था वो हमने प्रस्तुत किया। 122वां संविधान संशोधन बिल जीएसटी बिल 2014 को हमने प्रस्तुत किया। अब वहां से जब हमने बिल को पारित पास किया तो उसके बाद में लोकसभा में हम इसको लेके गए। लोकसभा में मई 2015 में इस बिल को पारित किया गया। मई 2015 में इस बिल को पारित किया गया। जब वहां से लोकसभा से यह पारित हो गया तो इसके बाद में राज्यसभा की बात आती है। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा, 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा के द्वारा इस बिल को पारित किया गया, यानी कि यहां से भी क्लियर हो गया। इसके बाद में 101वां जो संविधान संशोधन एक्ट है, 101वां संविधान संशोधन एक्ट, इसकी यदि हम बात करें तो वो पारित हुआ और 8 अगस्त 2016 को, 8 अगस्त 2016 को ये एक्ट जो था इसको हमने पारित कर दिया और इस तरह से इसका रास्ता जीएसटी का जो है वो क्लियर हो गया। इसके बाद में हमने 1 जुलाई 2017 से इसको भारत में लागू किया, यानी कि प्रारंभ हुआ। तो 1 जुलाई 2017 से जब हमने इसको प्रारंभ किया था तो सबसे पहला राज्य असम था जिसने 1 जुलाई 2017 को इसको अपने यहाँ पे लागू किया और प्रारंभ किया। उसके बाद में बाकी राज्यों ने इसको प्रारंभ करना चालू कर दिया, अपने यहाँ पे लगाना चालू कर दिया। इसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर जो था उसने 5 जुलाई 2017 को इसको अपने यहाँ पे लागू किया, यानी कि जम्मू और कश्मीर की विशेष रूप से यदि बात की जाए तो 5 जुलाई 2017 को उन्होंने अपने यहाँ पे लागू किया। आपको बहुत अच्छे से ध्यान है कि ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जो वस्तुओं सेवाओं के ऊपर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर जैसे आपके आय के ऊपर लगाया जाता है, संपत्ति के ऊपर लगाया जाता है या आपके उपहार के ऊपर लगाया जाता है, तो वो वाले कर प्रत्यक्ष कर होते हैं। ये वाला अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं के ऊपर लगाया जाता है और सेवाओं के ऊपर। तो दोनों को मिला के इसको एक नया टैक्स बना दिया गया और वस्तु और सेवा कर इसका नाम दे दिया गया। तो एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर लगाया जाता है। यदि हम विश्व स्तर की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे पहले फ्रांस ने इस कर को अपने यहां पे चालू किया था और 1954 में फ्रांस के द्वारा इस कर को इंट्रोड्यूस किया था अपने यहां पे। तो फ्रांस ने सबसे पहले विश्व में इस कर को अपने यहां पे लगाया था। इसके बाद में वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं तो 150 से ज्यादा देशों के द्वारा वर्तमान समय में इस टैक्स को लगाया जा चुका है, यानी कि विश्व के अधिकांश देश, 200 कुछ देश हैं हमारे पूरे विश्व में, उसमें से 150 से ज्यादा देशों के द्वारा जीएसटी को अपने यहाँ पे लगाया जा चुका है। तो हमारा भारत जो है इस मामले में बाकी देशों के साथ में आ चुका है। तो ये एक सामान्य कर है जो सभी देशों में समान रूप से लागू किया गया है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया। यदि सामान्य रूप से लिया जाए तो जीएसटी जो है 3 भागों में आता है, सी जीएसटी,
एस जीएसटी और आई जीएसटी। सी जीएसटी सेंट्रल जीएसटी, एस स्टेट जीएसटी और आई दोनों के बीच का। सी जीएसटी में यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारी दर है 12%, तो 12% को हम दो भागों में बांटेंगे, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 6% स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये इन दोनों भागों में बट जाता है। अब बात ये आती है कि यदि आपकी वस्तुओं को और सेवाओं को दूसरे राज्य में ले जाके बेचा जाए तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी में फिर दो भाग होंगे, एक भाग वो अगला राज्य जो उसका उपभोग कर रहा है वो उसको लेगा और एक भाग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चला जाएगा। इस तरह से ये आईजीएसटी हो जाएगा। तो सी हमने जीएसटी को जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। मुख्य बात ये आती है कि जीएसटी जो है उसकी दरें कितनी कितनी है और किस प्रकार की है। तो जीएसटी की दरें हमारे पास में जो है 5 प्रकार की रेट्स आती हैं, या यदि एक को 0 मान लें तो आप 4 प्रकार की दरें जीएसटी की आती हैं। उसमें पहली है 0%, दूसरी 5%, तीसरी 12% और चौथी जो है वो 18% और पांचवी जो है वो 28%। इस प्रकार से जीएसटी की 5 प्रकार की दरें जो है वो प्रारंभ में हमने शुरू की। अब इन पांचों दरों में यदि हम पहली की बात करें, 0% की यदि आप बात करें, तो जीवन की जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उसके ऊपर हमने किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया। जैसे हम बात करें दूध, दही, सब्जियां, फल, अंडे, मांस, मछली, नमक, अखबार, ₹1,000 तक के होटल और भी इसी टाइप की चीजें जो हमारे रोजाना के कामों में आती हैं और अनिवार्य चीजें मानी जाती हैं, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा गरीब वर्ग के ऊपर पड़ता है। इन सारी चीजों को हमने टैक्स से मुक्त रखा, यानी कि 0% इनके ऊपर हमने दर रखी। सेकंड बात करें हम 5% की, ये सामान्य वस्तुएं हैं और सामान्य वस्तुओं के अंतर्गत उन वस्तुओं को लिया गया जिनका उपयोग हम सामान्य जीवन में करते हैं, अनिवार्य के अतिरिक्त जो वस्तुएं हुई हमारे पास में। जैसे हम बात करें डिब्बा बंद खाना, इसके बाद में हम बात करें पनीर के बाद में यदि हम बात करें चाय कॉफी के बाद में मसालों के बाद में अन्य इसी प्रकार का जो आवश्यक चीजें हमारे पास में होती है। जैसे हम इसमें बात करें कि ट्रांसपोर्ट सेवाएं जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट सेवाओं के अलावा छोटे रेस्टोरेंट और भी इसी तरह की जो सामान्य चीजें होंगी उसको हम 5% के अंतर्गत टैक्स के अंतर्गत लाएंगे। जो जीवन के अनिवार्य के अलावा जो सामान्य वस्तुएं होती हैं उन सबको हम इसके अंतर्गत लेके आएंगे। दवाइयां जो होती हैं वो भी इसके अंतर्गत आ सकती हैं। इसके बाद में आता है 12%। अब इससे और ज्यादा सुपीरियर वस्तुएं जो होती है वो 12% में आएगी। जैसा मैं बात करूं कि आयुर्वेदिक दवाइयां जो होती हैं उसको हमने इस वाली श्रेणी के अंतर्गत लिया। इसके अलावा बिना एसी के होटल जो होते हैं वो, बिना एसी के होटल होंगे वो, आपका सिलाई मशीन हो सकती है, मोबाइल हो सकते हैं आपके, इसके अलावा कुछ कैमरे जो थोड़े सस्ते वाले कैमरे हैं वो सारे सारे इसमें हो सकते